wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We all like figgy pudding. नमस्कार, मैं हूँ अनी चौधरी और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी. जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, साल के हर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है. जैसे कि हिंदू के लिए दिवाली और इस मुस्लिम के लिए ईद, ऐसे ही ईसाई धर्म के लिए क्रिसमस बहुत ही खास माना जाता है. इसी के साथ आपको बता दें, क्रिसमस को बड़े दिन के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था. आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन और क्या क्या कुछ खास होता है. और इस वक्त हम खड़े हैं सेक्टर 19 के चर्च में, जहाँ हम बात करेंगे. सर, आपका नाम? क्रिसमस डे सभी जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह का जन्म. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जन्मे हैं, इसलिए हम खुशी से ये मनाते हैं. आनंद से, बड़े हर्ष उल्लास से ये सारी दुनिया मनाती है. कितने लोग? और हम मनाते हैं. लगभग कितने लोग चर्च में इस दिन आते हैं? ये देखिए, अभी बहुत सारे लोग आते हैं. सभी संगत आती रहती है. रात को 11-12 बजे तक आती रहती है. उनका विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह से जो मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह जरूर देते हैं. और विशेष रूप से उनके जन्म दिवस पर जो उनका मांग है पूरी हो जाएगी, क्योंकि बाइबल में यही लिखा है, मांगो दिया जाएगा, खटखटाओ दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा. विश्वास के साथ मांगो. खुदा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है. बाइबल में यह लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है. जी, अगर बात की जाए माइक हमें डिस्क्राइब कीजिए. बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह जन्मे. ऐसे प्रभु यीशु मसीह पिता ईश्वर ने बहुत बड़े बड़े महल चुन सकते थे, लेकिन उन्होंने एक गौशाला अपने बेटे के लिए चुना, ताकि छोटे से छोटे लोगों के साथ भी उनका संपर्क रहे. और वे ये दिखाना चाहते हैं, कोई भी छोटा नहीं है. और वो खुद इतना छोटा बना, एक गौशाले में जन्मे, ताकि हम सब एक बड़े छोटे, ऊंच जाति नीच जाति ऐसा कोई नहीं है. धर्म प्रभु ने नहीं बनाया, खुदा ने नहीं बनाया, मनुष्यों ने बनाया, धर्म का, जात का, छोटे नीच का. तो इसलिए ये सबसे हमने ऊपर उठाना है, ऊपर उठना है. और प्रभु के राज्य जो न्याय, शांति, प्यार, ये सब दुनिया में फैलना है, ये उनकी इच्छा है, उनकी योजना है. और इस योजना को हम लोग सही लोगों सभी लोग मिलके इसको साकार करते हैं. अगर देखा जाए तो कहा जाता है जीसस क्रिस्ट यानी जो हमारे मसीह को मनाते हैं उनके उसमें माना जाता है, उनका कहा जाता है जीसस क्रिस्ट क्षमा मांगने को क्षमा करने पर ज़्यादा महत्व होता है. इस बात पर ज़्यादा गौर देते हैं पर आप जरूर, क्योंकि उन्होंने कहा 7 बार नहीं 70 बार, यानी बार बार जो क्षमा करना चाहिए. और प्रभु ने ये भी कहा, अपने विरोधियों को प्यार करो, अपने दुश्मनों को प्यार करो, क्योंकि खुदा ऐसा ही करते हैं. खुदा के लिए कोई दुश्मन नहीं है, कोई बुरे लोग नहीं है. खुदा के लिए बराबर है. और उनका सूरज अच्छे लोगों पर और बुरे लोगों पर सूरज लगता है. और बारिश भी अच्छे लोगों, बुरे लोगों भी, सबके लिए है बारिश. तो खुदा जब देते हैं सबके लिए देते हैं. कहा जाता है इस दिन सूरज का पूर्ण उदय होता है. ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये साइंस में ये आप जानते हैं, दुनिया गोल है. और जो दुनिया घूमती है, सूरज उसके अनुसार अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम पे
उदय होता है। अगर देखा जाए तो बच्चे इस दिन अधिक उत्सुक होते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस दिन लाल कपड़ों में सफेद मूछ दाढ़ी में कोई सेंटा क्लॉज आएगा और उनको गिफ्ट अर्पित करेगा। ऐसे ही कुछ अहम खबरों को जानने के लिए बने रहिए अर्थप्रकाश टीवी पर। मैं अपनी चौधरी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थप्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।